पोल्ट्री हाउस इज कंसिडर्ड हाइको का जो मेन हमारा पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द पोल्ट्री एजुकेशन, उसका यही है कि हमने आपको अवेयरनेस देनी है, आपको एजुकेट करना है, आपने कल पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करना है। डेफिनेटली जब आपकी तरक्की होगी, पाकिस्तान की तरक्की होगी, यही हमारा हाइको का मॉटो है। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्री एजुकेशन जो है प्रमोट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और लोग जो हैं इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हमारा जो ये जो है, ये हमारा पोल्ट्री हाउसेस कंसल्टेंट जो हाइको का चैनल है उस पर अवेलेबल है, मोर देन 250 जो है वीडियोज हैं उर्दू और इंग्लिश में। तो आज का जो हमारा था, हमने आज का जो दिया प्रेजेंटेशन दी, उसमें हमने टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन दी, ठीक है, पोल्ट्री के लिए, वो ब्रायलर हो, ख्वा वो लेयर हो, ख्वा वो ब्रीडर हो, ख्वा केज, मिनिमम वेंटिलेशन, साइड बोर्ड वेंटिलेशन, विंटर वेंटिलेशन, ट्रांजिशन वेंटिलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये इनका मेन फिनोमिना जो है वो एक ही है, वेंटिलेट द हाउस, आपने फ्रेश एयर लेके आनी है और रिमूव करना है आपने गैसेस को, आपने मॉइस्चर को कंट्रोल करना है, ये पर्पस ऑफ द वेंटिलेशन है, ठीक है। और आपका ये आपको ख्याल होना चाहिए कि विंटर वेंटिलेशन में आपने एयर जो है वाया इनलेट वेंट्स जो है आपके उनसे लेके आनी है, और फिर जो है आपका एक मोर देन 600 फुट पर मिनट, मोर देन 600 to 1200 फुट पर मिनट आपको एयर चाहिए कि आपका सेंटर ऑफ द हाउस जाए। जो हम स्मोक टेस्ट का हम लोग करते हैं, स्मोक टेस्ट का पर्पज ऑफ स्मोक टेस्ट वो यही होता है कि हम ये वेंटिलेशन जो तीनों मोड है इसको वहां पे सेट करते हैं, हम देखते हैं कि आपकी विंटर में आपकी साइड जो इनलेट एयर इनलेट से वेंटिलेशन जो है उस वक्त जो हवा का बिहेवियर क्या है, आपकी एयर जो है एक प्रॉपर एयर स्पीड से आए सेंटर ऑफ द हाउस हो, उसके बाद वो नीचे आए। डेफिनेटली विंटर में आपका जो है आपकी जो आपके बाहर आउटसाइड टेम्परेचर होता है लो होता है, ठंडी हवा होती है, और वो जो है उसके मॉइस्चर उसमें कम होता है, जब वो अंदर आती है तो मॉइस्चर कैरी करती है। डेफिनेटली गर्म हवा जब ऊपर उठती है हमारे शेड की, तो वो जो बिटवीन इनलेट वॉल से लेके सेंटर ऑफ द हाउस, वो जो टाइम पीरियड है उसमें वो ठंडी हवा जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है, मॉइस्चर कैरी करती है, और जब नीचे आती है फ्लोर तक तो देन उसका टेम्परेचर आपका हाउस टेम्परेचर के इज इक्वल हो जाता है, ठीक है। और फिर लोग कहते हैं ना कि आप ठंडी हवा क्यों लेके आते हैं, लेकिन ठंडी हवा हम एक प्रॉपर जो है हम लेके आते हैं प्रॉपर असूल, एक प्रिंसिपल से, इसे वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट भी कहते हैं, और इसको हम जो है फिर हम विंड चिल इफेक्ट भी देखते हैं, वो टनल में देखते हैं, यहाँ पे विंड चिल इफेक्ट हमें नहीं देखना होता, हमें ये देखना होता है कि ठंडी हवा डायरेक्ट बर्ड को हिट ना करे, ठीक है। इसी तरह जब हम समर वेंटिलेशन करते हैं तो समर वेंटिलेशन में क्या होता है कि आउटसाइड टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा होता है, देन आपको जो है आपको क्या चाहिए होता है, आपको टेम्परेचर जो है थर्मोस्टैटिक कंट्रोल फैन चाहिए होते हैं, आप फैन चलाते हैं वहां पे, ठीक है। तो फिर जो है आप उसको जो है आप अपना, तो आपको जनरल आपको रूल ये पता होना चाहिए, लेट्स सपोज आपका हाउस टेम्परेचर 22 है, तो आपने 4 डिग्री जो है आपने 4 डिग्री आपने उसको थ्रू इनलेट्स हवा देनी है। अगर 4 डिग्री तक मेंटेन नहीं हो रहा, 4 डिग्री से ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप 3 डिग्री भी और 4 डिग्री बिटवीन इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसमें आप जो है वहां पे आप इनलेट बंद कर दें, आप टनल फैन स्टार्ट कर दें, ठीक है। और आपका टनल फैन जो है आपका टनल फैन का भी ये असूल ये है कि आपने 1 मीटर पर सेकेंड आपने स्टार्ट करनी है, स्टार्ट एयर वेलोसिटी इन द टनल आपका 1 मीटर पर सेकेंड, इट राउंड अबाउट 200 फुट पर मिनट जो है वो आपकी होनी चाहिए। क्यों? कि विंड चिल जो है 1 मीटर पर सेकेंड पे जो फुल ग्रोन बर्ड है 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 3 सेंटीग्रेड पर मीटर पर सेकेंड, एक 1 मीटर एयर स्पीड पे आपको 3 डिग्री का चिल इफेक्ट महसूस होता है, थ्रू एयर स्पीड जो कूलिंग महसूस होती है 3 डिग्री लेस देन आपका हाउस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आप इसलिए हम वो जो 200 एयर स्पीड हम चलाते हैं फुट पर मिनट, तो वो 3 डिग्री का चिल इफेक्ट देता है, वो आप जब 3 4 डिग्री अबव जा रहे होते हैं ऑलरेडी, तो आप बर्ड आपका जो है सफोकेशन महसूस नहीं करता, और आपका वो एक यूनिफॉर्म जो है आपका लीनियर आपकी लाइन बनती है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपको मिलता है, ठीक है। ये चीजें हैं सारी मेन, और इसी चीजें ये चीजें हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ जो है हम आपको नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा
होगा, चिल फैक्टर चार्ट होगा, उसमें हम आपको बताएंगे और ये सारी चीजें बताएंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी, आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप हमसे कर सकते हैं। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच।